नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज मैं एंगुलिनिया की कटिंग कैसे ग्रो होती है उसकी पूरी की पूरी डिटेल आप सारे दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों ये काफ़ी पुराना पौधा है, इसी की कटिंग मैं लूंगा। ऐसी कटिंग ले दोस्तों, और एक बात, इसके जो पत्ते हैं वो ट्रिम ना करें, पत्तों के साथ ही कटिंग को लगा दें दोस्तों, आसानी से ये ग्रो हो जाएंगे। दोस्तों मिट्टी में मैंने ऐसा ही तैयार कर ली है, छोटा सा गमला है, इसी के कारण मैंने मिट्टी के अंदर एक मुट्ठी गोबर की खाद और एक मुट्ठी राई सब लिया है। ऐसे ही आप अंदाजे लगा लो, आपके पास नॉर्मल मिट्टी हो तो भी चलेगा, वो नॉर्मल मिट्टी में भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि मैं गमले में लगा रहा हूँ तो आप भी गमले में ही लगाएं, आपके पास गार्डन में कोई भी जगह हो, सनलाइट आनी चाहिए, वैसी जगह पर आप आराम से इस पौधे को लगा सकते हो दोस्तों। एंगोलोनिया के काफ़ी सारे कलर होते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे कलर आप इसी तरह से कटिंग से ग्रो कर सकते हो, आप बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके फूल सदाबहार की तरह होते हैं दोस्तों, इसके फूल सर्दी गर्मी या बारिश हो आते ही रहते हैं, तीनों तीनों सीजन फूल आपको देते ही रहते हैं दोस्तों। दोस्तों 20 दिन के बाद मैंने जब गमले में लगाया था तब का पौधा और अब के पौधे में आपको फर्क बड़ी ही आसानी से दिख रहा होगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। कलियाँ भी आपने देख चुके हो, कलियाँ काफ़ी अच्छी है, अब फूल भी स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। इसमें मैंने 20 दिन में एक बार 20 दिन के बाद एनपीके दे दिया था। दोस्तों आपके पास एनपीके ना हो तो कोई भी आपके यहाँ अवेलेबल जो हो वो खाद आप देख सकते हो आराम से, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों 1.5 महीना हो चुका है, देख सकते हो आप, कई सारी नई डालियाँ भी आ चुकी है और फूल स्टार्ट हो चुके हैं अभी तो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट। अब कलियाँ भी आप देख सकते हो, पौधे को आप देख के आराम से नज़र लगा सकते हो कि दोस्तों कैसा रिजल्ट मिला कटिंग से। इस पौधे को देख के आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि ये कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है दोस्तों, देख सकते हो। ये पौधा आप नर्सरी से में लेने जाओगे तो 30 से 50 रुपये आपसे आराम से वो नर्सरी वाले ले लेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं मेरे वीडियो के माध्यम से कि मैंने जो किया है वो आप भी आराम से कर सकते हो दोस्तों, और अपने गार्डन में अलग अलग तरह के फूल कटिंग से लगा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।